हाय गाइस, स्वागत है एक और वीडियो में। जानने वाले हैं कि आप कैसे स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। अगर आपने स्टॉक मार्केट से हार मान ली है, आपने स्टॉक्स ट्राई कर लिया है जिसको डिलीवरी इक्विटी बोलते हैं, यानी कि आपने लार्ज कैप स्टॉक्स में रिलायंस, टाटा मोटर्स, मिड कैप स्टॉक्स में पेज इंडस्ट्रीज, एस्कॉर्ट्स जैसे स्टॉक्स में पैसा डाला, स्मॉल कैप आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, स्टॉक्स में पैसा नहीं बना, आपने ऑप्शन ट्राई ही किया होगा, ऑप्शन बाइंग, स्कैल्पिंग, ऑप्शन सेलिंग, सेलिंग में भी डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, विथ हेजिंग, बहुत सारे अपने स्प्रेड्स ट्राई कर लिए, फिर कमोडिटी ट्राई किया होगा आपने, एंड करेंसी, फिर आप में भी क्रिप्टो में गए होंगे, फॉरेक्स में गए होंगे, आपका पैसा नहीं बना स्टॉक मार्केट से, ट्रेडिंग से, इन्वेस्टमेंट से। एक तरीका है जहाँ पे अभी भी आप में भी आपने उसको ट्राई नहीं किया है, जिसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स। सो इसका मतलब होता है कि बेसिकली आपसे पैसा नहीं बना तो आपने अपना पैसा 25 लाख, 30 लाख, 100 रुपया, 100 रुपया से भी स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स, आपने दूसरों को दे दिया, यानी कि जो MBA वाले हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, मार्केट की समझ है, जो वो स्टॉक्स में पैसा डालेंगे आपके लिए, उनकी समझ है, उनकी समझ बहुत अच्छी है, उनके पास बहुत पैसा है क्योंकि और भी लोगों ने उनको पैसे दिए हैं संभालने के लिए, तो अंदर की इन्फॉर्मेशन जानते हैं, कंपनी का ऊपर नीचे सब कुछ जानते हैं, एंड वो आपको, अब मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं है म्यूचुअल फंड्स में, मतलब जो आप चाहेंगे कि साल का 100%, 200%, 300% मिल जाए, वो तो कहीं भी नहीं है, अनरियलिस्टिक है। बट म्यूचुअल फंड्स आपको 10-12% तो दे ही देंगे, कोई भी खराब से खराब अगर आप म्यूचुअल फंड चूज करेंगे 12-15% तो मिल ही जाएगा। अब मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती है, बट ये मिनिमम एक्सपेक्टेशन होता है म्यूचुअल फंड से। एंड अगर आप हार मान चुके हैं, थक चुके हैं, मे भी आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बन सकता है, तो म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छा तरीका है। मैंने इन्वेस्ट किया है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में एंड कुछ इंडेक्स फंड में जो निफ्टी बैंक निफ्टी के हैं। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको क्या रिस्क लेना है, क्योंकि सबको रिटर्न चाहिए, मुझे भी रिटर्न चाहिए, मुझे भी बहुत पैसा चाहिए, सबको बहुत अच्छे रिटर्न चाहिए, रिस्क किसी को नहीं लेना है, क्योंकि रिस्क लेंगे, अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं तो स्मॉल कैप्स में जाइए, लेकिन स्मॉल कैप्स में रिस्क है, छोटी कंपनीज का इंडेक्स है तो रिस्की तो है ही, क्योंकि छोटी कंपनीज डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मार्केट से हटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको रिस्क भी नहीं चाहिए, रिटर्न भी चाहिए। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो मे बी फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं, चाइना का भी म्यूचुअल फंड है ऑफशोर। सो म्यूचुअल फंड्स आर अ ग्रेट वे टू मेक मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग। बेसिकली कोई और ही आपके लिए पैसा बना रहा है, कोई और आपके लिए काम कर रहा है, आप अपना जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, टेंशन फ्री, रिटर्न कम है और एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं है म्यूचुअल फंड्स में, SIP में जीरो एक्साइटमेंट, एब्सोल्युटली जीरो एक्साइटमेंट। सो अगर आपको एक्साइटमेंट चाहिए तो आप गंगा नदी में कूद सकते हैं, आप बाइक राइड कर सकते हैं, आप मूवी देख सकते हैं एंटरटेनमेंट चाहिए तो, लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है म्यूचुअल फंड से तो आपको बहुत बोर्डम है एंड बट अ ग्रेट वे टू मेक मनी। सो म्यूचुअल फंड्स के लिए फ्री ऐप है धन, जहाँ पे कोई कमीशन नहीं लगता है, ग्रो भी अच्छा ऐप है म्यूचुअल फंड्स के लिए, बट ग्रो में अगर आप मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स एक साथ करेंगे तो स्टॉक्स में आपका पैसा जाएगा ग्रो में, तो आप धन में अकाउंट खोल सकते हैं जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स पे भी जीरो कमीशन है एंड स्टॉक्स पे भी जीरो कमीशन है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। सो नीचे उसका लिंक होगा। सो दोस्तों यही वीडियो है, व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स, कुछ भी कीजिए, FD में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, FD इज अ बैड इन्वेस्टमेंट और मुझे भी कुछ फायदा नहीं होगा पर्सनली। सो मार्केट में ही रहिए। आप अगर आप FD करना चाहते हैं तो डेब्ट फंड्स होते हैं, लिक्विड फंड्स होते हैं जो FD की तरह ही होते हैं, जो अगेन म्यूचुअल फंड्स में ही आते हैं, ETFs होते हैं, सो आप उसमें भी पैसा डाल सकते हैं अगर आपको इमरजेंसी के लिए पैसा स्टोर करना है। FD में डालना है कि डालना है वो आपकी मर्जी है, बट अगर आप FD की जगह म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे तो FD अगर 5-6% देता है तो क्या पता आपको म्यूचुअल फंड्स में 3 गुना 18% मिल जाए, 20% मिल जाए, कितने म्यूचुअल फंड्स ने तो 40% रिटर्न दिया है, बट ये मार्केट का कंडीशन है राइट नाउ, बुलिश मार्केट है, बुल रन चल रहा है, सो कोई आप वोल्ला एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रियल स्टेट भी आप ट्राई कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा पूंजी चाहिए, बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए। सो म्यूचुअल फंड्स गाइस, म्यूचुअल फंड्स इज़ द लास्ट होप एंड द फर्स्ट होप, जहाँ पे आपको रिस्क बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कोई और आपके लिए पैसा बनाएगा। एंड अगर आपको म्यूचुअल फंड्स पसंद नहीं है तो वापस आइए स्टॉक्स में, जिसमें मैं हूँ, स्टॉक्स इज़ अ एक्साइटमेंट भी है थोड़ा सा, मैं जो अपने आसपास देखता हूँ बिजनेस को उसमें मैं उसका मालिक बनना चाहता हूँ,
जब चाहे एंटर कर सकता हूँ स्टॉक्स में, जब चाहे एग्जिट कर सकता हूँ, एंड यहाँ पे कोई मैनेजर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, तो स्टॉक्स भी अच्छा है। मैं स्टॉक्स में हूँ, म्यूचुअल फंड से बहुत 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 कम है मेरा। सो आई एम अ स्टॉक्स गाय एंड आप म्यूचुअल फंड्स ट्राई कर सकते हैं। सो ये दोस्तों वीडियो अबाउट म्यूचुअल फंड्स, व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स एंड सिंपल सा वीडियो है, राइट। दोस्तों आप धन में अकाउंट खोल सकते हैं फॉर एब्सोल्युटली फ्री एंड आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी झंझट के, फॉर एब्सोल्युटली जीरो कमीशन। ये आपको कोई कॉल नहीं करेंगे, कोई स्पैम नहीं करेंगे कि आप हमारा कॉल टिप लो, एंड ये लास्ट होप है। कॉल टिप से भी आप थक चुके होंगे, सो अगर आप सब चीज़ से थक चुके हैं, सो ट्राई म्यूचुअल फंड्स। थैंक यू।